हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड टू का वीडियो नंबर 3 लेकर आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली ये ठीक है मतलब ऐसा मान सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही मैंने कंटिन्यू कर दिया। आज हम लोग इसके कई सारे कंपाउंड्स की बात करेंगे, चाहे वो कार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, अमोनिया में सॉल्युबिलिटी हो, स्टेबिलिटी हो, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, सो बेसिकली ये 3rd वीडियो है और अगले आने वाले 3 वीडियोस में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो छोटा सा चैप्टर है, अगर मैं बोर्ड लेवल पे कराता तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 या 3 लेक्चर लगते मुझे। ठीक है, बट क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी का भी बताना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा क्या, पूरा एनसीईआरटी भी बताना पड़ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 वीडियोज़ आर नॉट दैट मच, इससे ज़्यादा तो लॉज ऑफ मोशन को लग रहे हैं। सो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया। अमोनिया में कैसी इसकी सॉल्युबिलिटी होती है? अमोनिया बोले तो NH3। देखो, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, ऑल अल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन, ठीक है, ये डिजॉल्व होते हैं, ऑल अल्कली मेटल डिजॉल्व इन अमोनिया और देते हैं डार्क ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, गिविंग डार्क ब्लू सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? कंडक्टिंग होते हैं, विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है, और मतलब अमोनिया में जब भी लोग डिजॉल्व होंगे, चाहे वो लिथियम को डाल दो, पोटेशियम को डाल दो, सोडियम को डाल दो, सीजियम को डाल दो, रिबेडियम को डाल दो, किसी को भी डाल दो, उन लोग देंगे डार्क ब्लू सॉल्यूशन अमोनिया में जाने के बाद, एकदम गाढ़ा नीला रंग आपको दिखाई देगा। और जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक से दूसरी जगह पर वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये सॉल्यूशंस कंटेन करते हैं अमोनिएटेड आयन्स और अमोनिएटेड कैटायन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दीज अमोनिएटेड, ठीक है, और ये सॉल्यूशंस, दीज सॉल्यूशंस कंटेन्स अमोनिएटेड कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अमोनिएटेड कैटायन्स रहते हैं, मतलब अमोनिया के कैटायन्स होंगे और साथ ही में इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स उनको हम लोग बोलेंगे। सो अमोनिएटेड कैटायन्स एंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी अमोनिएटेड आएगा, सो बेटर टू राइट इट अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इसका रिएक्शन कैसा होता है वो भी देखना पड़ेगा। सपोज हमारे पास कोई मेटल एम है, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं एक्स प्लस वाई एन एच थ्री से। एक्स प्लस वाई क्या है? कोई नंबर, कोएफिशिएंट जो होगा इसका बैलेंसिंग के वक्त आएगा। तो ये आपको देगा एम प्लस एक्स एच थ्री एक्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको मिलेगा एच, सॉरी यहाँ पे आपको अमोनिएटेड मतलब एन एच थ्री वाई मिलेगा। ठीक है, ये एक्स वाला पार्ट क्या है? ये अमोनिएटेड कटायन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनिएटेड कटायन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, या फिर अमोनिएटेड एनायन भी बोल सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। देखो फिर से समझते हैं, सपोज़ हमारे पास कोई मेटल एम था, लिथियम था, लिथियम को हमने रिएक्ट कराया 3 मोल NH2 से, NH3 से। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1 ले लो या वाई की वैल्यू 1 ले लो, एक्स की वैल्यू 2 ले लो या वाई की वैल्यू 2 ले लो, है ना, 1+2 3 होगा 3 मोल से। 2 मोल से कराए होते तो दोनों की वैल्यू 1-1 ले लेते, तो इसका रिएक्शन आता एम प्लस एच थ्री के साथ, कोएफिशिएंट आता एक्स, जो भी यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू रखते। अब वो कैसे रखेंगे? वैलेंसी वगैरह देख के, फिलहाल ये जनरल रिएक्शन है, प्लस इलेक्ट्रॉन NH3Y कोएफिशिएंट को देख के। एक्स वाले पार्ट को मतलब ये कटायन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं अमोनिएटेड कटायन, और इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो सॉल्यूशन आता है ये होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, दिस सॉल्यूशन शोज पैरा मैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, मतलब थोड़ा सा उसके क्लोज में जाएगा, और डायमैग्नेटिक मतलब रिपल करेगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर ये सॉल्यूशन दिखाता है, इतना नोट करो फिर आगे बताता हूँ। ठीक है,
और अमोनिएटेड कटायन के वजह से ये सॉल्यूशन अपना ब्लू कलर का होता है. द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड, मतलब ऐसा माना जाता है, ड्यू टू अमोनिएटेड कटायन. एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैंने बोला ना सॉल्यूशन कंडक्टिव होगा. तो अच्छा, कोई भी सॉल्यूशन कंडक्टिव कब होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज प्रेजेंट हो, तो उसमें कंडक्टिविटी आएगी. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कंसीडर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ बोले तो अमोनिएटेड कैटायन एज वेल एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, बोथ. दैट इज अमोनिएटेड, चलो फुल फॉर्म में लिखता हूँ, अमोनिएटेड कैटायन एज वेल एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. दोनों की प्रेजेंस की वजह से जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग है. ठीक है, द सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी कंडक्टिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ. चलो ठीक है, ऐसा भी चलेगा जैसा मैंने लिख दिया. और जो ब्लू कलर आया है वो ब्लू कलर अमोनिएटेड कटायन की वजह से माना जाता है कि अमोनिएटेड कटायन ने ब्लू कलर उस सॉल्यूशन में इम्पार्ट किया है. अब इसमें एक कंडीशन भी आती है, अगर ये सॉल्यूशन 3 मोलर से ज़्यादा हुआ. कौन सा सॉल्यूशन यार? अरे अमोनिया में अल्कली मेटल डाले वो वाला सॉल्यूशन. टॉपिक से ही भटक जाते हो तुम कभी कभी. हाँ याद रखा करो कौन सा टॉपिक बता रहा हूँ मैं. अमोनिया में हमने डाला था कोई अल्कली मेटल, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब 3 मोलर से ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ठीक है, उसके बारे में भी मैं लिखता हूँ, पहले इतना आप लोग छाप लो. ओके, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर से ज़्यादा आ जाए, एट कॉन्सेंट्रेशन एबोव 3 मोलर द सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन NH3 ठीक है, इनका रंग कैसा हो जाता है, कॉपर ब्रोंज रंग हो जाता है. आर कॉपर ब्रोंज कलर्ड. ठीक है, दीज सॉल्यूशंस कंटेन्स क्लस्टर्स ऑफ मेटल आयन्स एंड हेंस poses metallic luster. luster मतलब जानते रहोगे, 8वें चैप्टर में आपने पढ़ा था 10वीं में. luster मतलब shine. ठीक है, तो इनके पास कई सारे clusters होते हैं metal ions के, जिसके वजह से इनके पास nature आ जाता है shine करने का. ठीक है, तो इनके solution में ढेर सारे metal ions के clusters के होने के कारण, clusters मतलब group है ना, तो कई सारे clusters होने के कारण ये अपना metallic luster वाला character pose करते हैं. ठीक है, द ब्लू सॉल्यूशन ऑन स्टैंडिंग, मतलब आप अगर इसको ज़्यादा टाइम तक ऐसे रखे रह जाओगे सो ये स्लोली डिकम्पोज हो जाएगा एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन एंड लूज इज पैरामैग्नेटिज्म. ठीक है, हाइड्रोजन को वो लूज करेगा, सॉरी हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा और पैरामैग्नेटिज्म को लूज करेगा, मतलब इसकी जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी उसको ये धीरे धीरे लूज करेगा. ठीक है, एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कलर की जो इंटेंसिटी रहेगी वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी. इंटेंसिटी मतलब अरे उसकी डार्कनेस, जितना ज़्यादा वो ब्लू था वो धीरे 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 फेड होता जाएगा. इसका मतलब क्या है, जो मैंने बड़ा सा रिएक्शन लिखा था, क्या था रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन क्या था, एम प्लस NH3 एक्स प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे NH3 Y. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 Y. तो ये स्लोली डिकम्पोज होगा, मैंने बोला H2 को लिबरेट करेगा, तो बचा क्या, एम
एक एस टू, एक एस टू लिबरेट हो गया, देखो एस टू लिबरेट हो गया तो बचा क्या एम एन एस टू, ठीक है, तो यहाँ पे बचा एम एन एस टू और आगे चल के ये बनेगा एन एस टू माइनस, जिसको हम लोग बोलेंगे मेटल अमाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल अमाइड। हुआ क्या, जो हमारा ये बड़ा सा इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले आया था, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया था ना गलती से, करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, मैंने आई थिंक एक्स लिख दिया था गलती से, आई डोंट रिमेम्बर, अगर लिख दिया तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ठीक है। एम प्लस एन एस थ्री एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन एन एस थ्री वाई, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर ये डिकम्पोज होगा तो पहली बात हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा मेटल अमाइड। मेटल अमाइड बोले तो एम एन एच टू, आगे चल के ये एन एस टू माइनस में डिसोसिएट होगा, वो छोड़ो फालतू बातें हैं, अभी इतना याद रखो कि ये रिएक्शन जब डिकम्पोज होता है तो एम एन एच टू मतलब मेटल अमाइड और हाइड्रोजन में डिकम्पोज होता है और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाता है, अपना पैरामैग्नेटिज्म खो देता है ये धीरे धीरे, और जो इसकी कलर की इंटेंसिटी है उसको भी धीरे धीरे ये खो देता है, इसका मतलब जो ब्लू कलर था जो काफ़ी डार्क था वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो ये बहुत ही बड़े से पॉइंट्स थे लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबिलिटी के बारे में, हमने सबके बारे में डिस्कस कर लिया, छोटे पे क्या होता है, बड़े पे क्या होता है ना, कौन कौन सा नेचर दिखा दे, तो प्लीज़ आप लोग उसको याद कर लेना। चलो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। ओके, सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करते हैं, वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, फिर भी देख लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। हाँ देखो, जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं ना उनका आप लोग जानते हो न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी कम होता है और उनकी एटॉमिक साइज़ बाकी सारे के मुकाबले बहुत बड़ी होती है, जैसे सोडियम की उसके पूरे ग्रुप के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम की उसके पूरे बेरिलियम के उसके पूरे ग्रुप के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है ना, बेरिलियम, लिथियम, 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 लिथियम के पूरे ग्रुप के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। तो इसके कारण, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज़ काफ़ी बड़ा है और इनका न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जल्दी बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड जो आप लोग सीखोगे जल्दी, एक्चुअली इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी दिया है जो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, बिकॉज वो जी ओ सी पढ़ने के बाद आपको समझेगा। एक्चुअली अभी तक कैसा होना चाहिए था कि एक साइड से जी ओ सी चालू रहने चाहिए था ना, केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है कि एक तरफ से जी ओ सी चालू होता है और एक तरफ से ये चालू होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, छोड़ो जाने दो। अल्कली मेटल्स फॉर्म्स लेस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स दिस इज ड्यू टू देयर लार्ज एटॉमिक साइज एंड लेस न्यूक्लियर चार्ज, लेस न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज को कुछ लोग जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, छोड़ो जेड इफेक्ट बोलते हैं, तो उसको भी समझ लेना आप लोग कि न्यूक्लियर चार्ज को बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी कम रहता है इसलिए लोग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाने की जो एबिलिटी है वो नीचे जाते जाते घटती जाती है, क्योंकि नीचे जाते जाते साइज भी बढ़ती जाती है और न्यूक्लियर चार्ज भी घटते जाता है, ठीक है। द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऐसा क्यों, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, छोड़ो, नीचे जाते समय क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, दोनों ही इसके खिलाफ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चाहता है कि न्यूक्लियर चार्ज भी नॉर्मल हो, एटॉमिक साइज भी छोटी हो, ठीक ठाक हो, बट इधर एटॉमिक साइज भी बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी घट रहा है, तो दोनों कंडीशन इसके खिलाफ, तो इसके वजह से आप लोगों ने देखा होगा सोडियम कभी कभी आ जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में एक दो जगह पे, जैसे सोडियम एसीटेट हो गया और बाकी सारी चीज़ें, वरना आपको ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट्स ही दिखेंगे, फेरस दिखेगा, आयरन आयरन दिखेगा, कॉपर दिखेगा, ये सारे एलिमेंट्स दिखेंगे, है ना, ये लोग नहीं दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास एबिलिटी नहीं होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने की, बनाते हैं बट बहुत कम बनाते हैं, सोडियम में भी कई बार बनाता है बट बाकी सारे एलिमेंट को आपने शायद ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा होगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ये लोग फॉर्म नहीं करते इतना जल्दी, बहुत कम करते हैं, ठीक है, और इनका जो एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करने का वो नीचे जाते जाते घटता है,
नीचे जाते जाते घटता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट सॉल्ट। कार्बोनेट बायकार्बोनेट के बीच में आप लोग बेसिक डिफरेंस तो जानते ही रहोगे, कार्बोनेट CO3 2- और बायकार्बोनेट HCO3-। ठीक, कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट सॉल्ट, बस पॉइंट्स लिखते जाओ मेरे साथ, और क्या करना है। ठीक है, लर्निंग लेक्चर है, पूरा चैप्टर ही लर्निंग है, ये चैप्टर अगला चैप्टर लर्निंग है, फिर फाइनली स्टेट्स ऑफ मैटर में मजा आएगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में मजा ही आता है। ठीक है, हाँ, इसका एक पॉइंट लिखो, एक्सेप्ट Li2CO3 SO4 को बाद में लाएंगे, अभी कार्बोनेट का पढ़ रहे। सो एक्सेप्ट Li2CO3 अदर मेटल कार्बोनेट्स डू नॉट डीकम्पोज इवन एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू देयर, ठीक है, ड्यू टू देयर हाई आयोनिक कैरेक्टर। मतलब Li2CO3 को छोड़ दो तो बाकी Na2CO3 हो गया, K2CO3 हो गया, इन लोग के अलावा बाकी सारे मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते हैं, तुम कितनी भी हीट डाल दो तो भी नहीं उन लोग डिकम्पोज होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, और आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर भी इन लोग मेल्ट नहीं होते हैं। अच्छा, तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स, ठीक है, मतलब Li2CO3 के बारे में ही बात हुई, बट सबके बारे में देख लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर हम लोग तो Li2CO3 सबसे कम सॉल्युबल होता है, Na2CO3 फिर उससे ज़्यादा, फिर K2CO3 उससे ज़्यादा, फिर Rb2CO3 उससे ज़्यादा, फिर CH2O3CO3 सबसे ज़्यादा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखो, Li2CO3 इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल ही नहीं होता है, सीधी बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज होता है ना, Li2CO3 जो होता है ये अनस्टेबल होता है। एक्चुअली अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसका लैटिस अच्छा नहीं बनता है। लैटिस क्या? लैटिस एनर्जी कुछ करके मैंने बताया था ना आपको शायद। ठीक है, छोड़ो लैटिस वैटिस, लैटिस एनर्जी कुछ तो बताया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में, खैर उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। देखो, साइज जब एक का छोटा रहता है एक का बड़ा रहता है, तो उनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो लैटिस एनर्जी वहाँ पे प्रॉपर नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद, स्टेबल होने के बाद, वही तो मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे उतनी प्रॉपरली लैटिस नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक की साइज़ छोटी है एक की साइज़ बड़ी है, तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, साइज के वजह से, तो ये डीकम्पोज हो जाता है Li2O+CO2 में, CO2 उड़ जाता है, Li2O रह जाता है, ये इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल ही नहीं होता। ठीक है, और बाकी सारे काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होता है? सीजियम कार्बोनेट। तो आपको एग्जाम में सीधा सीधा ऑर्डर पूछ सकता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स बताओ कौन सा राइट है, या फिर कौन सा ऐसा अल्कली मेटल कार्बोनेट है जो कि सॉल्युबल नहीं होता, तो वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने होंगे, फिर देख लेना कौन सा सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात कर ले तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली, चलो ठीक है, अगले टॉपिक पे बात करते, क्योंकि इधर अभी लिखूंगा तो कन्फ्यूज़न होगा, है ना, तो इतना पहले छाप लो आप लोग। हाँ, एक और चीज़ नोट कर लेना, यहाँ पे बिना हीट दिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, हीट देनी होगी, थोड़ी सी हीट बट देनी होगी, ठीक है, वरना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आई वॉज गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स। ठीक है, तो ये कैसा रहता है? देखो, स्टेबिलिटी की बात करें तो Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CH2O3CO3। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाएं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो कैटायन का साइज़ है, कैटायन बोले तो Na+,
K प्लस, RB प्लस, ठीक, ये सब कटायन है। साइज ऑफ कटायन अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखें तो ये इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कार्बोनेट्स होते हैं CO3 2 माइनस और बाय कार्बोनेट्स होते हैं HCO3 सिंगल माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं इसको, तो एक एन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, तो 2 एन ने आते, इसलिए एन ने 2, 2K2 आते, 2K आते, इसलिए K2, 2RB आते, इसलिए RB2। तो यहाँ से यहाँ जाते समय कटायन का साइज बढ़ रहा है और यहाँ से जाते समय एनायन का भी साइज बढ़ रहा है, तो अगर दोनों सेम साइज के होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे मैं अभी अगर 12th के दोस्तों को अपने ले लूँ, है ना, तो उनके साथ मैं घूमूँ फिरूँ, उनके साथ क्लास में पढ़ाई करूँ, तो मेरी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट अगर मैं किसी 11th वाले को पकड़ लूँ, चल भाई पढ़ते हम लोग, तो वो क्या पढ़ेगा, मैं क्या पढ़ूंगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी थोड़ी भी, ठीक है। तो कैटायन की साइज़ एनायन की साइज़ आगे जाते जाते बढ़ती जा रही है, सेम होती जा रही है, इसलिए आगे जाते जाते स्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग बात कर लें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स बाय कार्बोनेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स बाय कार्बोनेट्स, अच्छा बाय कार्बोनेट्स में भी सेम केस होगा, ठीक है, बस एक छोटा सा एक्सेप्शन रहेगा। ओ हो 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 हो, अल्कली मेटल्स बाय कार्बोनेट्स, ठीक है, छोटी सी बात है एक, कि यहाँ पे LiHCO3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ, फिलहाल अभी लिथियम को छोड़ दो, बचा कौन, NaHCO3। अब की बार देखो मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो देता भी है लिथियम, तो एक लिथियम एक ही है, बात खत्म, ठीक है। और Na तो लिख लिया ना, कौन आएगा, KHCO3, फिर RbHCO3, फिर CsHCO3। तो यहाँ से यहाँ पे सेम, जैसे ऊपर स्टेबिलिटी बढ़ रही थी वैसे यहाँ पे भी जो साइज़ है कैटायन की वो बढ़ रही है और एनायन की साइज़ उतनी ही है ना, साइज़ ऑफ कैटायन इंक्रीजिंग, तो देयरफॉर स्टेबिलिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, बट LiHCO3 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट फन फैक्ट लिखो, हाउएवर इट एग्जिस्ट, इट कैन एग्जिस्ट इन एक्वस स्टेट, ठीक है, इट कैन एग्जिस्ट इन एक्वस स्टेट बिकॉज, एज लिखो, एज वाटर या फिर H2O स्टेबलाइजेज इट, ठीक है। वाटर क्या करता है, वाटर स्टेबलाइज करेगा LiHCO3 को, तो LiHCO3 अगर एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक्वस स्टेट मतलब वाटर के साथ, तो वाटर स्टेट में अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इसको ये स्टेबलाइज कर देगा मतलब ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है बट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और एक बात सुनो, अल्कली मेटल्स बाय कार्बोनेट्स डीकम्पोजेज इवन ऑन जेंटल हीटिंग, थोड़ा सा भी हीट दे दो ना आप लोग तो लोग डीकम्पोज हो जाएंगे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 1 डिग्री हीट दे दी और वो डीकम्पोज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में, थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग हीट दे दिए तो लोग डीकम्पोज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक है NaCO3 KSCO3, लेट से MHCO3, M अब कोई भी अल्कली मेटल है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ी सी हीट दे दी तो ये डीकम्पोज होगा M2CO3 में प्लस H2O में प्लस CO2 में, CO2 क्या करेगा, उड़ जाएगा। अच्छा, M2CO3 क्यों आया, क्योंकि एग्जिस्ट करता है ऐसे CO3 टू माइनस में, तो यहाँ पे 2 मेटल जरूरी है, बचा क्या, इसमें से देखो वाटर बचा H2O और बचा CO2, ये बैलेंस तो नहीं है, तो बैलेंस आप करो, देखो मुझे लगता है 2 लगा देंगे तो हो जाएगा सब, देखो 2 मेटल हो गया, 2 कार्बन हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 1 4 2 6 ऑक्सीजन यहाँ है, हो तो गया सब बैलेंस हो गया, बस 2 लगाना था इधर, ठीक है। तो यहाँ पे एम की जगह आप लिथियम रख दो, लिथियम हो जाएगा, सोडियम रख दो, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम रख दो, पोटेशियम हो जाएगा, कुछ भी रख दो यहाँ पे हो जाएगा,
हाँ ठीक है, बट लिथियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना, एक्सेप्शन है ये, हो सकता है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने बात की स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स, स्टेबिलिटी कैसी है, आगे जाते जाते कैटायन की साइज बढ़ती है और एनायन की साइज भी बढ़ती है, तो अगर साइज बराबर रहेगी तो स्टेबिलिटी सही रहेगी, है ना। एक्चुअली देखो CO3 एनायन तो सेम है, एनायन CO3 2- ही है, तो इसको हटा दो, छोड़ो, एनायन कहाँ बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर कैटायन की साइज आगे जाते जाते बढ़ रही है और एनायन उतना ही है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। जैसे अभी मेरी उम्र रुक जाए, ठीक है, और एक छोटा सा बच्चा है जो फिलहाल अभी 5th स्टैंडर्ड में, आवाज़ पे ध्यान दो, थोड़ी देर में अभी लाइट आ जाएगी एक्चुअली कभी कभी ऑफ हो जाता है बटन गलती से। तो सपोज़ वो छोटा सा बच्चा है 5th स्टैंडर्ड में और मेरी एज रुक गई, मैं स्कूल में नहीं जाता हूँ अब, अभी वो थोड़े दिन बाद आ गया 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, तो जब वो 10th स्टैंडर्ड में आएगा तो हमारी जोड़ी जमने लगेगी। तो वैसे ही यहाँ पर जो एनायन है, जो CO3 2- है, वो यहाँ पर उतनी तरीके से स्टेबल नहीं है, है ना। ओके, सो ज़्यादा ही लाइट आ गई हाँ, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो एनायन है वो उतना ही है, बट जैसे जैसे कैटायन की साइज़ बढ़ रही है, जैसे जैसे वो एनायन तक पहुँच रहा है, वैसे वैसे स्टेबल होता जा रहा है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है। वैसे बायकार्बोनेट का भी सेम है, स्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है। अच्छा, बायकार्बोनेट्स में LiSCO3 एग्जिस्ट नहीं करता है सॉलिड स्टेट में, बट वो एग्जिस्ट कर सकता है एक्वस स्टेट में, क्योंकि वहाँ पर वाटर उसको स्टेबलाइज कर देता है। अल्कली मेटल बायकार्बोनेट जेंटल हीटिंग पर भी डिकम्पोज हो जाते हैं। कैसे डिकम्पोज होते हैं, सपोज मेरे पास 2MHCO3 है, ये थोड़ा सा हीट दोगे डिकम्पोज हो जाएगा M2CO3 में, सपोज यहाँ पे Na है, Na2CO3 +H2O +CO2 में, ठीक है। लिथियम ले लो, नहीं लिथियम क्यों लेते हैं जब वो होता ही नहीं है, पोटेशियम ले लो 2KHCO3, तो वो डिकम्पोज होगा K2CO3 +H2O +CO2 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेचर ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट और नेचर ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। लेट्स सी नेचर ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स, सॉरी नेचर ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट्स, फिर इसके बाद नेचर ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। अच्छा, नाइट्रेट सॉल्ट्स जो होते हैं ना, ये मेनली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है MnO3, तो इसको नाइट्रेट सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। LiNO3, Na2NO3, ऐसा इसको हम लोग नाइट्रेट सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2 MnO2 +O2 में, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें फिर डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, MnO2 और O2 में, ठीक है। सेम रिएक्शन होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम के साथ। अगर हम बात करें MnO2 के आगे डिकम्पोज होने की, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे ये डिकम्पोज नहीं होगा। बट अगर लेट से मैंने लिया LiNO3 और अब की बार ये डिकम्पोज होके बना Li2O +NO2, ठीक है। LiNO3 मैंने लिया और ये डिकम्पोज होके बना Li2O +NO2 और +1 O2 आया, ठीक है। फिर जो NO2 है वो फर्दर डिकम्पोज हो सकता है, अगर मैं इसको कूलिंग कराऊं तो ये डिकम्पोज होके बन जाएगा N2O4, ठीक है। मतलब यहाँ पे MnO2 को अगर मैंने हीट प्रोवाइड की तो ये आगे डिकम्पोज नहीं हुआ, आगे रिएक्शन कोई पॉसिबल नहीं हुआ। बट यहाँ पे जब मैंने हीटिंग प्रोवाइड की NO2 को, मतलब NO2 को थोड़ा सा मैंने कूल किया, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हुआ N2O4। ऐसा क्यों, क्योंकि जो NO2 है ना, ये अनस्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, और साथ ही में ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव स्पीशी, ठीक है, हाईली रिएक्टिव स्पीशी है और ये अनस्टेबल है, इसके वजह से ये आगे चल के ऐसा रिएक्ट हो जाता है। ओके, अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर ले तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है LiNO3 > NaNO3 > KNO3 > RbNO3 > CsNO3। अब जानती हो ऐसा क्यों, ड्यू टू साइज फैक्टर हमेशा काम करता है ना। साइज इसकी कम है, NO3- की साइज़ ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी साइज़ कम, इसकी साइज़ ज़्यादा, यहाँ पे दोनों का साइज़ लगभग बराबर, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे अच्छा, ठीक है। तो आगे जाते जाते साइज़ बढ़ती है, तो इसके वजह से आगे जाते जाते स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। समझ में आया, जो नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अगर ऐसा रिएक्शन होता है तो यहाँ पे इसका आगे का प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। बट अगर ऐसा रिएक्शन हम लोग ऐसा रिएक्शन अकर होता है तो यहाँ पे NO2 अगर बनता है तो NO2 काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको फर्दर हम लोग कूलिंग करा के N2O4 बना सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं।
और अगर हम नाइट्रेट सॉल्ट्स की, अल्कली मेटल नाइट्रेट सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा है, बस इतना ही जानना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं, इसकी बात करने वाले थे हम लोग, नाइट्रेट सॉल्ट्स, यस सल्फेट सॉल्ट्स, नेचर ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। अच्छा, सल्फेट सॉल्ट्स मतलब SO4 वाले सॉल्ट, जैसे H2SO4 होता है वैसे Li2SO4 होता है, Na2SO4 होता है, जानते हो ना ये सब, तो वही है हमारे सल्फेट सॉल्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट Li2। अच्छा देख रहे हो, लिथियम हर जगह पे एक्सेप्शन में आ जाते हैं ना, कमाल का एलिमेंट है। एक्सेप्ट Li2SO4, थोड़ा सुंदर लिखता हूँ, काट मत देना, कुछ गलत नहीं किया है। एक्सेप्ट Li2SO4, इससे सुंदर तो पहले वाला था। अच्छा ठीक है छोड़ो, एक्सेप्ट Li2SO4 अदर एलिमेंट्स, अदर सल्फेट्स या फिर अल्कली मेटल सल्फेट सॉल्ट्स, अदर अल्कली मेटल सल्फेट सॉल्ट्स डू नॉट डीकम्पोज इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, बट Li2SO4 को छोड़ के बाकी कोई भी आप सल्फेट सॉल्ट लेकर आओ अल्कली मेटल का, उन लोग डिकम्पोज नहीं होने वाले हैं। अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो फिर से साइज फैक्टर की मदद से जो सॉलिबिलिटी का ऑर्डर है वो आएगा Li2SO4 सबसे कम सॉल्यूबल, फिर आएगा Na2SO4, फिर आएगा K2SO4, फिर आएगा Rb2SO4 फिर लास्ट में आएगा CH2SO4, ठीक है। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका भी सेम ऑर्डर होगा, Li2SO4 सबसे कम स्टेबल, इसीलिए तो ये हीट देने पर डिकम्पोज हो जाता है, और बाकी सारे स्टेबल है तो वो क्यों डिकम्पोज होंगे, है ना। Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CH2SO4, ठीक है। तो ऐसा इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है और ऐसा इनका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है। अच्छा, मैंने बोला Li2SO4 हीटिंग इफेक्ट पे डीकम्पोज होता है, कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट, अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो Li2SO4 को अगर हम थोड़ी सी हीट देंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा Li2O+SO3 में, ठीक है। और फर्दर अगर हम लोग SO3 में भी हीट देंगे, दैट इज टेम्परेचर, आई थिंक चेक कर लेना एक बार, अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है इतना ही है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर फर्दर दे देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा SO2+ ½O2 में, ठीक है। सबसे पहले Li2SO4 को हमने थोड़ा सा हीट दिया, ये कन्वर्ट हुआ है Li2O और SO3 में, SO3 में भी हम थोड़ा सा और हीट दे देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SO2+ ½O2 में। अच्छा, Na2SO4 में थोड़ा सा हीट देंगे तो नहीं होगा, ज़्यादा हीट देंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, चाहे जितना हीट दे दो, बाकी सारे में भी कितना भी हीट दे दो कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बस छोटी सी बातें थी, थोड़ी बातें और है, बस थोड़ी बातें ही इसके बारे में ही, ठीक है। ये समझ में आया ना फिलहाल, सल्फेट सॉल्ट जो होते हैं Li2SO4 के अलावा कोई भी डिकम्पोज नहीं होता है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, रीजन सेम है, साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट का क्या असर होता है, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CH2SO4, इन लोगों पे हीटिंग इफेक्ट का कोई असर नहीं होगा। Li2SO4 को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा Li2O+SO3 में, और SO3 को हीट प्रोवाइड करेंगे, कितनी हीट, 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वाली, उतनी हीट अगर इसको प्रोवाइड कर दिए तो ये चेंज हो जाएगा SO2+ ½O2 में, ठीक है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, फिर लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। तो एक बात नोट करके लिख लो थोड़ा सा, देखो लिथियम के मतलब मेटल्स के, अल्कली मेटल्स के सारे सॉल्ट्स लगभग वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट लिथियम एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है ना। इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे, लिथियम की और एनोमलस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में, बट फिलहाल लिथियम के कुछ सॉल्ट्स जैसे Li2CO3, Li2SO4, LiF, Li2C2O4 एंड Li3PO4, ठीक है। ये सॉल्ट्स ऐसे हैं, Li2PO4 आर सॉल्ट्स विच आर इनसॉल्यूबल और स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर,
मतलब या तो इनसॉल्युबल होंगे या तो बहुत ही मुश्किल से सॉल्युबल होंगे, ठीक है। इनसॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। Li2CO3 नाम याद रख लेना, Li2CO3, Li2SO4, LiF, Li2C2O4, Li3PO4, ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि इनसॉल्युबल है या स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं वाटर में। ऑल अदर सॉल्ट्स या फिर ऑल अदर मेटल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। ऑल अदर सॉल्ट्स को ज़्यादा बेटर होगा, ऑल अदर सॉल्ट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, या फिर सॉल्युबल लिख दो वो भी ठीक है, ठीक है। तो Li2CO3, Li2SO4, LiF, Li2C2O4, Li3PO4, इन सॉल्ट्स के अलावा जितने भी सॉल्ट्स बचे हैं, Na के हों, पोटेशियम को, रिबिडियम को, सीजियम को, सारे सॉल्ट्स सॉल्युबल होते हैं वाटर में। बट ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स है, ये नाम याद रख लेना, जो कि इनसॉल्युबल है या तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है। अच्छे से अंडरलाइन कर लो और मार्क कर लो, ठीक है। अब चैप्टर आप लोगों का 50% ख़त्म हो गया है, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तो हम उसमें सीखेंगे एनोमिलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, और साथ ही में हम लोग सीखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, फिर हम लोग सीखेंगे साल्वेज प्रोसेस, ठीक है। साल्वेज प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और फिर लास्ट में अल्कलीन अर्ध मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम लोग, ठीक है। अल्कलीन अर्ध मेटल, अरे ग्रुप टू उसको भूल गए क्या, अल्कली मेटल ही पढ़ोगे बार बार, ठीक है। तो ग्रुप टू की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हुई है, तो मोस्टली आई थिंक 3 वीडियोज़ और लगेंगे, 3 वीडियोज़ से ज़्यादा तो नहीं लगने चाहिए, फिर हमारा इस ब्लॉक ख़त्म। फिर पी ब्लॉक में भी 5 से 6 वीडियोज़ लगेंगे, क्योंकि उसमें 3 ही ग्रुप हमें इस साल पढ़ना है, बाकी 3 हमें अगले साल पढ़ना है, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो भी ख़त्म, चलिए फिर अगले मंथ में हम लोग शुरू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मंथ में हम लोग यहीं तक रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।